So ma'am, how do you like the 8th Theatre Olympic stage? Yeah, I'm just loving it. मैंने हालांकि कोई देखा नहीं है प्ले अभी, क्योंकि मैं आज ही आई हूँ मुंबई से और मैं अनफॉर्चुनेटली परसों जा रही हूँ, कोशिश करूँगी कल देखने की। बहुत सारा जो है इतना भव्य है यहाँ का, और मैंने सुना है मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने चेन्नई में शो किया है, मेरा क्लासमेट अक्षरा के भी वो भी बता रहा था, बहुत सारे मेरे अन्य मित्र हैं जो यहाँ जो पूरे इतने सारे शहरों में ये चल रहा है। तो ये बहुत बहुत भव्य और बहुत बड़ा पहल है, पहल तो नहीं, ये बहुत साल से चल रहा है, बड़ी ओलंपिक ओलंपियाड जैसी चीज़ हमारे देश में, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं प्रोफेसर वामन केंद्री जी को मुबारकबाद देना चाह रही हूँ, सारी टीम को जिन्होंने थिएटर के लिए इतना सारा काम किया, इतना सारा एनर्जी, इतनी सारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये सब चीज़ हमारे थिएटर के लिए है। तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, एंड आई विश कि मैं और शोज अटेंड कर पाती, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैं खुद थिएटर में काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैम, आप पहले से थिएटर में जुड़ी हुई हैं, पब्लिक सब जानती है, आपने बहुत ही फेमस थिएटर किया भी हुआ है, तो आपके हिसाब से क्या अच्छा हो रहा है थिएटर को बढ़ावा देने के लिए? क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने ऐसा ओलंपिक्स को ला करके इंडिया में लाया जो, तो वो बहुत अच्छा एक स्टेप है और आपके लिए और क्या बेटर हो सकता है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा स्टेप है। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट हुई हूँ, ये मेरा एलुमनाई है, मैं यहाँ पली बड़ी, मैं 1980 to 1983 में यहाँ थी, और मुझे जैसा लगता है मुझे बहुत, मेरा खुद का घर भंडारा रोड में था जब मैं यहाँ पढ़ती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है इस तरह के पहल और इस तरह के इतने भव्य फंक्शंस और इस तरह की चीज़ें जहाँ पे वर्ल्ड थिएटर को साथ ला रहे हैं और एक गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मेरा मानना है जहाँ पे देश में कल्चर में कोई रुकावट ना हो, कल्चर को खुलेआम से फ्रीली जाहिर करने के लिए ओपन रहे, वो समाज बहुत बहुत बीमारी से बचता है, वो समाज बहुत हेल्दी रहता है। थैंक यू।